समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा ले अपहरा करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दे ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, ले आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दे ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप न करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाखिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें, ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है द्वारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें। आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें। आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें। आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है तारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है तारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं, जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, ले आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें, ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है तारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, ले आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं, जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरा करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उस मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरा करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दा डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पर हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाखिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पर हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी और मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दा डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उन्दाकिनी डिम्पर हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें, ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी और मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दा डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा आप बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा ले अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दे ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है तारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी और मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दा डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है है। जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, बाहर करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपाह करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी और मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहार करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दा डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है। जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें। आप करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा ले आप करें और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दे ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ मंदाकिनी डिम्पल सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, ले आप करें और रिंकू की तुरंत शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी मंदाकिनी डिम्पल हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है तारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही, बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की, की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें अपहरण करें और रिंकू की तुरंत उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी उर्फ उन्दाकिनी डिम्पल से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन जैसा कि यह पता चला है वह इसके बजाय खुद को रिंकू से जबरदस्ती शादी कर लेता है सारा और धनुष एक दिलचस्प केमिस्ट्री साझा करते हैं जो पूरी तरह से बाहर न होने के बावजूद स्क्रीन को जीवंत करती है समीक्षा करें रिंकू के कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद फिल्म एक त्वरित शुरुआत करती है लेकिन वह एक युवती से बहुत दूर है यह संकट वह उत्साही बोल्ड और मजबूत सिर वाली लड़की है जो बहुत आसानी से हार नहीं मानती है जबकि रिंकू की तानाशाही दादी और चाचा उस लड़के का नाम जानना चाहते हैं जिसके साथ वह सालों से भागने की योजना बना रही है वह अभी उसका नाम प्रकट करने को तैयार नहीं है उसकी बदतमीजी से क्रोधित होकर नानी अपने चाचाओं को निर्देश देती है कि वे अपने शहर के बाहर से किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उठा लें, आप करें। और रिंकू की तुरंत तो उससे शादी करवा दें ताकि वह परिवार पर बोझ न बने विशु जल्द ही अपनी प्रेमिका मैंडी और मंदाकिनी डिम्पर हैती से सगाई करने वाला है जो उसके कॉलेज डीन की बेटी भी है लेकिन